इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड कोस्टल एक्सरसाइज सागर कवच इन वेस्ट बंगाल। तो आप इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा। एंड कहाँ करवाई थी? तो वेस्ट बंगाल में करवाई थी। कुछ जीआई टैग हैं, जैसे कि बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। वो कहाँ की है? तो वो है जेएनके की। माता ने पछेड़ी को दिया गया है, इट इज़ अ पेंटिंग, तो ये गुजरात की है। देन मरचा चावल बिहार का है। बिहार के अगर हम कुछ और बात करें तो जैसे जरदालू मैंगो है, मैं लिख नहीं रही, जस्ट रिवाइजिंग, जरदालू मैंगोज हो गए। देन कतरनी राइस हो गया, मिथिला मखाना हो गया, मधुबनी पेंटिंग्स हो गई, ये सारी बिहार की हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव कांगड़ा टी। तो कांगड़ा टी कहाँ की है? ये हिमाचल की है, ठीक है। और कुछ जो मेरे को याद आ रहा है, दैट इज़ नागरी दूबराज चावल, नागरी दूबराज चावल, तो ये कहाँ के हैं? ये हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है केरला। एंड कम्बम ग्रेप्स जो हैं वो कहाँ के हैं? तो वो हैं तमिलनाडु के, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंड करंट में रहे हैं जीआई टैग्स, आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कंट्रीज फर्स्ट क्लोन्ड क्लोन्ड फीमेल काफ, जिसकी ब्रीड थी गिर, एंड उसका नाम क्या रखा गया है? गंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है तो आप मुझे बताइएगा। तो अगर मैं इसका हिंट देना चाहूँ तो कहाँ ये एच से नाम शुरू होता है, इट इज़ वेरी इजी, आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। अदर ब्रीड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे गिर ब्रीड तो है इंडिजिनस, अगर कुछ और ब्रीड्स की हम बात करें तो हमारे पास आती है सहीवाल, देन वी हैव व्हाट, थार प्रकार, ठीक है। देन वी हैव रेड सिंधी, ये सारी हमारे पास ब्रीड्स देखने को मिलती है। इंडिया जो है वो टॉप में है मिल्क प्रोडक्शन के। इंडिया इज़ टॉप अमंगस्ट द कंट्री जो ग्लोब लाइक ग्लोबल प्रोडक्शन का 24% देता है। एंड अगर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान रहेगा इसमें टॉप पे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में। नेक्स्ट वी हैव इज़ हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये है हमारा गोवा का। पोथांडू फेस्टिवल है हमारा तमिलनाडु का। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है। तो ये इसमें इंडिया का रैंक रहा है क्या, 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। तो ये पब्लिश कौन करता है ये इंडेक्स? तो इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में। एंड टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ये हैं हमारी सिंगापुर, फिनलैंड, एंड थर्ड कौन सी है ये आप मुझे बताइएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव, ये 6 पिलर्स पे अपनी इस इंडेक्स को निकालते हैं, जो कि है जैसे कि कस्टम परफॉर्मेंस, कस्टम परफॉर्मेंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, देन ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक सर्विस, क्वालिटी, देन कंसाइनमेंट ट्रैकिंग, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, एंड लास्ट यहाँ मैं लिख देती हूँ टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट। इन 6 पिलर्स पे इस इंडेक्स को इवैल्यूएट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज
इसी से ही याद आता है मेरे को एक चीज़ और कि सागर सेतु ऐप किसने लॉन्च की है। सागर सेतु ऐप तो ये लॉन्च की गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। इसका मिनिस्टर कौन है ये आप मेरे को बताना। एंड ये क्या काम करेगी, फॉर नेशनल नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, ठीक है, ये इसका टारगेट रहेगा। एंड इसके मिनिस्टर जो मैंने आपसे पूछा था वो रहेंगे सर्बानंदा सोनेवाल, ठीक है। तो यहाँ ये इतना ही। नेक्स्ट वी हैव इज द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनॉग्रेटेड गज उत्सव इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अगर हम बात करें कि गज उत्सव की, तो ये कौन, ये किसके अंडर था, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर सेलिब्रेट किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे है, तो ये हमारे असम में है, ठीक है। एंड ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो ये ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था, 1992 में। एंड ये क्या इंश्योर करता है, तो ये इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट। और ये बता दिया मैंने, काजीरंगा असम में है, मानस भी हमारा असम में है, देन राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क भी हमारा इधर ही असम में ही है। तो मैंने ऐसे कैसे याद किया है, तो इसकी जो ट्रिक है जो मैंने याद करी है, इट्स लाइक माना ना मेरी असम का काजी करवा दी मेरी शादी औरंग शेख के साथ। तो ये हमारे ट्रिक है टू रिमेम्बर ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ असम, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, देखो माना से मानस, मानस, नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क, असम तो हम स्टेट के लिए याद रखा, काजी से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, शादी से हो गया शेखवा नेशनल पार्क, औरंग से हो गया राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, और शेख से हो गया शेखवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क थे हमारे असम के। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करते हैं, तो वी हैव क्वाड समिट वॉज हेल्ड एट सिडनी। तो क्वाड फॉर्म कब हुआ था, फॉर्म कर गया था ये 2007 में। आजकल वो ये ज़्यादा न्यूज़ में दिखता है, पहले ये इतना एक्टिव नहीं था। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल लेटरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इसमें आती है हमारी इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप मैप में देखते हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ से बनाती हूँ,
ये हमारा यूरोप है। ठीक है, एंड ये हमारा, ये यहाँ पे आ गया हमारा पैसिफिक ओशन, राइट। और यहाँ आ गया हमारा इंडिया, यहाँ आ गया जापान, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, एंड ये आ गया अमेरिका। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट्स वाई इट्स क्वाड। एंड इसमें सारी जो भी इन लाइक कंट्रीज हैं, इंडिया हो गई, जैसे जापान हो गया, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये इस एरिया में, बेसिकली इन दिस एरिया, इट्स ट्राइंग टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये बेसिकली रीज़न था हमारा टू हैव क्वाड, क्योंकि यहाँ पे जैसे वी ऑल नो कि चाइना का काफ़ी एग्रेशन वाला फिलॉसफी रहता है, तो साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक ओशन में उसका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस क्वाड, एक्चुअली रिवाइव्ड दिस क्वाड हम बेटर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट वॉज स्टार्टेड इन केरला, जिसका नाम है सूर्यम, सूर्यम वंशु। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्टार्ट करा गया है पहला, तो वो केरला में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पासपोर्ट इंडेक्स हमारा 144 रैंक है इंडिया का, 22 की बात करें तो हमारा 138 रैंक था, अभी हम 6 डिजिट नीचे गिर गए हैं इसमें। ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करता है फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फर्म। एंड अभी टॉप पे कौन है, तो सिंगापुर इसके टॉप पे है। इसका मतलब होता है पासपोर्ट इंडेक्स का कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट वाटर मेट्रो केरला कोचीन में स्टार्ट करी है। तो ये क्या है, बेसिकली ये कनेक्ट करेगी, जैसे ये बीच में जो अरेबियन सी है, कोची से जो नेक्स्ट नियर 10 आइलैंड है, उन 10 आइलैंड्स हैं, उनको कनेक्ट करेगी ये वाटर मेट्रो। लाइक इट्स लाइक इट विल बी ऑन द वाटर, नॉट अंडर द वाटर। ओके, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू करी है हमने, दैट इज़ इन कोलकाता, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, तो ये हो गया वाटर मेट्रो के बारे में। कोचीन को हम ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। नेक्स्ट वी हैव इज स्काई रूट एयरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। स्काई रूट एयरोस्पेस इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप है। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है, एंड धवन 2 भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज लॉन्ग शील्ड वॉज डन, वो कौन सी एक्सरसाइज थी, तो वो साइबर डिफेंस की एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आता है कि इसको हमने कहाँ पे, एक पहले बात तो कंडक्ट करी गई थी, तो ये इस्तोनिया में कंडक्ट करी गई थी। ठीक है, एंड ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो ये ऑर्गेनाइज करवाती है नेटो। ठीक है, नेटो का एंड इसका लाइक हम बात करें तो ये लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, जो कि प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर सिस्टम को रियल टाइम अटैक से, रियल टाइम अटैक, एंड उसी को ही एंड स्टिमुलेटिंग टेक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस।
नेटो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो ये है ब्रसेल्स बेल्जियम में। इसके न्यूएस्ट मेंबर कौन है, तो वो है फिनलैंड। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि नेटो की ज़रूरत क्या पड़ी, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू टू सिक्योर पीस इन यूरोप एंड टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग्स द मेंबर, नेटो का शुरुआत किया गया। नेटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आई गेस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वी हैव इज रेल विकास निगम लिमिटेड, जो मिनी रत्न थी वो रिसेंटली नवरत्न बन गई है इंडिया की। ठीक है, तो अगर जैसे कौन सी कंपनीज नवरत्न कहलाई जाती हैं, तो वो कंपनीज जो 1,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर सकती हैं, उनको हम नवरत्न में इंक्लूड करते हैं। पर ये 1,000 रुपीस, इनका 30% नेटवर्थ होना चाहिए। लाइक आपने 30% नेटवर्क तो उसमें डाल दिया, पर वो आपका 1,000 करोड़ से ऊपर नहीं गया, मतलब ये लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, एंड कोई भी नवरत्न कंपनी मिनी रत्न सॉरी महारत्न में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल अभी हमारे पास 14 कंपनीज़ हैं जो कि नवरत्न की कैटेगरीज में आती हैं। तो ये आप पता करिएगा कौन कौन सी हैं। कुछ कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, देन रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया, देन वी हैव BHEL भेल होगी, देन वी हैव OIL। ठीक है, फिर वी हैव EIL। ये सारी कंपनीज़ हैं, 14 कंपनीज इन टोटल हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इसका एम क्या था, टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स हेल्थ चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी। तो कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, एंटी माइक्रोबिक्स हो सकता है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये वाला प्रोग्राम चालू किया गया था, एंड इसका ये 6th एडिशन था। आज के लिए लास्ट का हमारा जो करंट अफेयर रहेगा वो रहेगा कॉन्जम डे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ये 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर को शो करता है। ठीक है, मतलब उस दिन के को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो अप्रैल की ऑल द करंट अफेयर्स आई हैव कंप्लीटेड विद ऑल द डिटेल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।